नशेड़ी के नहीं, जिसने तमाम बुराइयों को अपने जीवन से निकाल दिया, अपने जीवन को शुद्ध कर लिया। कितना शुद्ध करना है? तमाम प्रकार की नशाखोरी, अंधविश्वास, भूत पूजा से मुक्त होके, सामाजिक बुराइयों से मुक्त होके, है ना, झूठ तूफान धोखा धड़ी से मुक्त होके अपने जीवन में प्रेम उत्पन्न कर लो, तो किसके प्रति? बाप के प्रति। तो मन शुद्ध हो गया। बाप के साथ मन को जोड़ लो, इतनी बात है। तो फिर क्या होगा? सत्संग व्यक्ति का हो, काया शुद्ध हो जाती, तन और मन शुद्ध हो जाता। तो फिर उसमें क्या होती है? काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी जाए कि मेरी याद इतनी पक्की हो जाए, जीवन का प्रतिपल आपका नाम मेरे तन और मन पे छाया रहे, इतनी बात है। शुद्ध मन में परमात्मा की याद, भगवान की याद पक्की हो जाती है और जीवन संस्कारों से भरा हुआ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और जिसका हाथ अपने बाप के हाथ में है, संसारिक पदार्थ के पीछे भागने वाले व्यक्ति का, संसारी व्यक्ति का हाथ जब मृत्यु सामने आती है तो मौत के हाथ में होता है। और जिस दिन धार्मिक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु सामने आती है, उसका हाथ अपने बाप के हाथ में होता है, वो अपने बाप के साथ जाता है। और जो संसारी व्यक्ति है, वो एड़िया रगड़ता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, आवाज भी नहीं निकलती, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कांपने लगता है, सर्दियों में पसीने आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मौत ने हाथ पकड़ रखा है, वो मौत के साथ जाता है संसारी व्यक्ति। लेकिन जिसने नाम सिमरन को अपने जीवन का अंग बना लिया, वो धार्मिक व्यक्ति, उसका हाथ अपने बाप के हाथ में होता है, वो अपने बाप के साथ जाता है, ऐसे खिलता है। और आपने सुना भी होगा कि फलां व्यक्ति का माँ या बाप की मृत्यु हुई तो उसके चेहरे पे मुस्कान थी, तो वो जरूर धार्मिक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपना मन परमात्मा के साथ जोड़ रखा है। तो वो धार्मिक व्यक्ति के सामने जब मृत्यु आती है, वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, कांपता नहीं है, वो हंसते हुए खिलते हुए, क्योंकि जैसे औलाद अपने माँ बाप के साथ कहीं जाती है तो घबराती है, छोटे बच्चे बाप की उंगली पकड़ते हैं, कहीं भी घूम लेते हैं, रात को बोल दो घर से बाहर चला जा 2 मिनट के लिए, वो नहीं जाते, डरते हैं, लेकिन बाप की उंगली थाम के पूरा शहर घूम लेते हैं। ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति का हाथ अपने बाप के हाथ में होता है। अब चुनाव हमारा है कि हमने मृत्यु के साथ जाना है कि अपने बाप के साथ जाना है। तो आइए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सच्ची प्रार्थना करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।